गाइस, तो कैसे हो आप लोग। तो आज मैं बात करूंगा ब्लेड से रिलेटेड काफी कमाल के अपडेट के बारे में, साथ ही साथ बात करूंगा दो एक्स्ट्रा अपडेट के बारे में जो कि बहुत ही ज्यादा कमाल के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दिस वीडियो। तो सबसे पहले आपने इंटरनल्स तो मूवी देखी होगी, जिसमें कि हमें फाइनली पता चला कि किंग हैरिंगटन का जो कैरेक्टर है वो एक्चुअल में ब्लैक नाइट का कैरेक्टर है, जो कि 100-200 साल पुराना कैरेक्टर है और अभी तक जिंदा है। और देन किसी कारणवश वो अपनी तलवार को उठा नहीं रहा है, कोई तो बड़ा सीक्रेट है। पर फाइनली बीच में एक वॉइस आती है इंटरनल्स के पोस्ट क्रेडिट सीन में कि आपको ब्लेड की आवाज सुनाई देती है, जो कि कंफर्म करती है डायरेक्टर के हाँ एक्चुअल में वो ब्लेड की ही वॉइस थी। ठीक है, अब मार्शल अली का जो कैरेक्टर है वो भाई बहुत कमाल का होने वाला है और एमसीयू अंडर ब्लेड मूवी ऑफिशियली आ रही है। तो कंफर्म ये हो चुका है कि जो किंग हैरिंगटन का कैरेक्टर है ब्लैक नाइट और जो हमारे मार्शल अली का कैरेक्टर है ब्लेड का, वो दोनों की टीम अप होने वाला है अपकमिंग ब्लेड मूवी में। अब ब्लेड और जो ब्लैक नाइट का कैरेक्टर है, ये दोनों का थोड़ा टीम अप मुझे अजीब सा लग रहा है। पूछो क्यों? इसलिए लग रहा है क्योंकि देखो वो 100-200 साल पुराना कैरेक्टर है, अगर वो किसी की गर्दन पर तलवार रखेगा तो गर्दन कटेगी, खून निकलेगा। पर ब्लेड जब किसी की गर्दन पे तलवार रखेगा, अगर वो वैम्पायर हुआ तो वो चल जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो ज्यादातर इन दोनों का टीम अप मुझे थोड़ा अजीब सा लग रहा है, कैसे ये रिएक्ट करेंगे और कैसे इनका टीम अप होगा फ्यूचर में। आपको क्या लगता है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। पर फिलहाल के लिए अपकमिंग ब्लेड मूवी में ब्लैक नाइट कंफर्म हो चुका है और इनका टीम अप देखने को मिलेगा। चलिए बात करते हैं सेकंड अपडेट के बारे में, जो कि बहुत ही कमाल का। अब देखो वैम्पायर से रिलेटेड बात हो रही तो मॉर्बियस कैसे पीछे रह सकती है। तो फाइनली मॉर्बियस का पहला पार्ट इस साल रिलीज होने वाला है और कंफर्म हो चुका है कि मॉर्बियस की दो मूवी और आएंगी जो कि ट्रिलॉजी कंप्लीट करेगी। जी हां, सोनी ने कंफर्म कर दिया है और डील हुई है साइन, जो मॉर्बियस के एक्टर हैं उन्होंने दो मूवी और साइन करी है। और साथ ही साथ फ्यूचर में सोनी यूनिवर्स में आपको मल्टीपल कैमियो भी देखने को मिलेंगे मॉर्बियस के। तो क्या पता शायद ब्लेड के साथ भी उनका हो सकता है, कुछ भी हो सकता है भाई, मल्टीवर्स है। उसी के साथ आप बात करते हैं थर्ड अपडेट के बारे में, जो कि डेडेविल से कैरेक्टर रिलेटेड है। तो फाइनली कंफर्म हो चुका है कि डेडेविल का जो कैरेक्टर है वो आपको एमसीयू मल्टीपल प्रोजेक्ट में देखने को मिलेंगे, जो कि ऑलरेडी उनकी खुद की एक सीरीज तो आ रही है सोलो, जो कि एमसीयू के अंडर बनेगी। और साथ ही साथ सी हल्क में उनका कैमियो है, ये भी थोड़ा अपडेट आया है। और कौन सी सीरीज में देखने को मिल सकते हैं तो ये अभी तक कंफर्म नहीं हुआ, पर मल्टीपल प्रोजेक्ट में आपको डेडेविल देखने को मिलेगा। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि ये तीन अपडेट कैसे लगे, आपको जानकर मुझे जरूर बताइएगा। और उसके साथ अगर आप मेरे चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना। बाय बाय, जा रहा हूँ।